here here at the 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 BJP BJP headquarters, now completely silent through the morning. We spoke to the, uh, the BJP president also, but I'm now joined by a couple of karkartas. little, you you know, know, some excitement here after Jairam Thakur's, uh, you know, win. But let me get in a word from you, sir. ये बताइए कि अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस लगभग 37 सीटों पर आगे है और कहीं ना कहीं अब वो कांटे की टक्कर से आगे बढ़कर अब कहीं ना कहीं लग रहा है क्लियरली कि कांग्रेस में फॉर्म द गवर्नमेंट. तो इसमें क्या कहना चाहेंगे यार इसमें ऐसा है पिछली बार hmm. 500 से 1000 का मार्जिन और 1000 से 5000 तक का मार्जिन सतारह सीटें ऐसी थी और हिमाचल में जब तक लास्ट राउंड पूरा नहीं होता मार्जिन बड़ा कम होता है और कभी भी हम आगे जा सकते हैं जी, और आ, काफी सारे कार्यकर्ता यू नो हियर आप लोग बताइए कि मैं देख रहा था कि आप लोग जो रेबल्स का लीड्स हैं वो बड़े क्लोजली फॉलो कर रहे थे और बीजेपी रेबल्स की कहीं ना कहीं होप कर रहे थे उनकी विक्ट्री या बहुत क्लोजली उसको फॉलो कर रहे थे तो उसका क्या रीजन है नहीं देखिए अभी भी जो बहुत सी चार से पांच सीटें ऐसी जिनमें बहुत क्लोज मार्जिन है और वो नेक टू नेक फाइट चली है कभी एक ऊपर आ रहा है कभी दूसरा ऊपर आ रहा है ऐसा नहीं है जो रेबल्स थे वो उन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी लड़ाई लड़ी है लेकिन अंततः जो चार पाँच सीटों पर अभी फाइट चली हुई है देखते हैं अभी तो रिजल्ट फाइनल आया नहीं है, है। जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद जो भी संभावना होगी देखेंगे लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिली हुई हैं हम आप जो अभी मैंने देखा कि आप रेबल्स का आप लोग सब यहाँ पर काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहे थे और कहीं ना कहीं चाहे के ठाकुर हों चाहे शर्मा आप ये क्यों होप कर रहे हैं कि वो जीते इसके इसकी रीजनिंग मुझे समझाइए नहीं ऐसा तो नहीं हम होप कर रहे हैं कि किसते हैं हाँ। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीते हाँ। तो जो भी जीत करके आएगा भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है हाँ। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है जहां हाँ। मुख्यमंत्री सताईस हजार प्लस वोटों से जीते हैं बहुत से हमारे कार्यकर्ता और प्रत्याशी ऐसे रहे हैं जो दस प्लस वोटों से जीते हैं अभी चार से पांच सीटों पर चल रहा है जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं लेकिन ये है कि रेबल्स ने अगर बहुत अच्छे वोट लिए हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो भारतीय भारतीय जनता पार्टी